हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब पर। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हौसला बढ़ाने की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ हो चुकी है। ये इंटरनेट से क्वेश्चन पूरा टॉप 3 MCQ करेंगे, जो आपके कंप्यूटर में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हौसला बढ़ाने में आपका कंप्यूटर का 30 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहा है, तो लगातार हम सीरीज बाई सीरीज लेकर आए हैं। कल की क्लासेस में हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, जो कि पूरा एकदम डिटेल के साथ आपको थ्योरी क्लास के समझाते चले हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, पार्ट 1 वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इसको एक बार नोट करेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे गए हैं। गूगलिंग क्या होता है? तो गूगलिंग वो है जो गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना ही गूगलिंग कहलाता है। गूगलिंग कहने का तात्पर्य है गूगल, अर्थात गूगल में आप जो भी सर्च करोगे वही आपका सर्च इंजन कहलाएगा। जैसे अगर गूगल में आप कुछ भी चीज सर्च करते हैं, किसी चीज के बारे में आप सर्च करोगे या किसी चीज को आप डाउनलोड करोगे, वही आपका गूगल कहलाएगा। भैया, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए थे कि PoP3 क्या है। आपके 2019 के एग्जाम में, 2021 के एग्जाम में डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको अच्छे से समझिएगा PoP3 होता क्या है। और हॉस्टल वाला ना 2016 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर कैसे एग्जाम में पूछा गया है, क्या चीज पूछा गया है ना। तो देखेंगे PoP3, तो PoP3 यह एक मेल है निकालने के लिए प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है, जो माउस पाटो यानी कि माउस पाटो का वह व्यक्ति जो अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर पर ही बिताता है उसे माउस पाटाटो कहते हैं। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक, और मेंबरशिप पर क्लास कराई जा रही है, यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है डेली क्लास। ठीक, आप लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिएगा और आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। जितने भी अभी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उसका आप लोग एनालिसिस कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जरूर देखिएगा। एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरे बार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाने का प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और लास्ट में आप चेक कीजिएगा कितना आंसर आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है। ठीक है, तो पहले कुछ थ्योरी ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। बात करूं मैं यहाँ पर, देखिए कम हेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो पोटैटो होता है आपका, इन्हें कंप हेड के नाम से भी जाना जाता है। PHP होता क्या होता है? कोडिंग भाषा होता है जी। PHP एक कोडिंग भाषा है जो इंटरनेशनल वेब पेज को बनाने के लिए काम आती है। इसका नाम हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, फुल फॉर्म भी वीडियो लेकर आऊंगा। फुल फॉर्म से भी एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि इसको किससे नाम से जाना जाता है। ठीक, कुकी, अब देखिए कुकी होता क्या है। तो कुकी एक छोटा सा संदेश है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को दिया जाता है। ब्राउजर संदेश को टेक्स्ट फाइल में क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। ठीक, अब देखिए इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए ईमेल को जंक ईमेल कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, आप सभी को मालूम है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क यही है आपका इंटरनेट। अब इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क को मतलब इसे सूचना रहित पथ किसे कहते हैं? ये इंटरनेट को कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया है बार बार, ये वाला याद रखना, सूचना का राजपथ भी कहा जाता है। इंटरनेट को सूचना का राजपथ भी कहा जाता है, सूचना का महासागर भी इंटरनेट को कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है या फिर सूचना का महासागर कहा जाता है। याद रखना इस टॉपिक को, एक बार इसे नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? और वीडियो को सही सही देखिए, 500-600 वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो पर लाइक बहुत कम रहता है, तो वीडियो पर लाइक आना चाहिए। ठीक, तभी हमारा परफॉर्मेंस आप सभी को अच्छे से खुल कर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो में लाइक नहीं आएगा तो वही आप समझ रहे हो ना, फिर मैं क्लास लेकर नहीं आऊँ। ठीक है, चलिए देखेंगे। सूचना का महासागर भी कहा जाता है। इंटरनेट की शुरुआत कंप्यूटर नेटवर्क अर्पनेट से की गई थी। इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? अर्पनेट से की गई थी। कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया था ताकि सूचना को कंप्यूटर के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सके। ठीक है, और यूट्यूब की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना यूट्यूब पे जब शुरुआत हुई थी 2005 में, और इसका सबसे पहले अपलोड किया गया था जावेद। ठीक है, सबसे पहले अपलोड किसने किया था? जावेद ने। ठीक है,
इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, आप याद रखना। इंटरनेट सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल, वेबसाइट, चैट, वीडियो, बातचीत, भुगतान प्रणाली, शॉपिंग, मनोरंजन, शिक्षा, मनोरंजन जैसे सुविधाएं प्राप्त करते हैं। और विंड सर्प होता क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेट के पिता के रूप में विंड सर्प को सर्वोच्च नाम दिया गया है, इसको याद रखना है। एक बार एग्जाम में यही से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया। ठीक, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 30। ठीक है, भारत में इंटरनेट को 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था, याद रखना। इंटरनेट को लागू कब किया गया था, तो 1995 में। कब, तो 15 अगस्त 1995 को। ठीक है जी, एक कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़े जाते हैं, जिसका कार्यक्रम जो डेटा होता है, हार्डवेयर, संदेश, अन्य संसाधन को साझा करके कंप्यूटर में नेटवर्क में करते हैं। ठीक है, और इंटरनेट क्या कहलाता है, आपस में मिलकर संसाधनों को साझा करना ही इंटरनेट कहलाता है। ठीक, तो ये टॉपिक आपने किया। टीसीपी होता क्या है, याद रखना। टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना। तो डाटा और सूचना का लेन देन संभव हो, डाटा और सूचना का लेन देन संभव हो, इंटरनेट को नेटवर्कों का ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। यही इस एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इंटरनेट के अन्य स्रोत के लिए मानक निर्देश दिशा के लिए जो अनुसंधान है करने के बनाए गए W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कल हमने ये पूरा टॉपिक किए हैं, जो वीडियो नहीं देखा है ये सभी एग्जाम में पूछे पूछे गए हैं। ठीक, आप जाइएगा वीडियो को, पार्ट 1 वीडियो दे, पार्ट 1 वीडियो जो है उसमें अपलोड कर दिया है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप हॉस्टल वाले की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मैं सिलेबस बताया था, एक बार सिलेबस को ध्यान में नजर रखिएगा, जिसमें कंप्यूटर का आपका 30 नंबर के प्रश्न है, मैथ्स का आपका 25 नंबर के प्रश्न है। जिसको सिलेबस नहीं मालूम ना, हॉस्टल वाले का एक बार देख लीजिएगा। ठीक, और मैथ्स हो गया, इंग्लिश का आपका 5 नंबर है, हिंदी का 5 नंबर। ठीक, और आपका जनरल नॉलेज यानी कि छत्तीसगढ़ का आपका 5 नंबर, जनरल नॉलेज है ना, जनरल यानी कि सामान्य ज्ञान का आपको 15 नंबर, बाल मनोविज्ञान का आपका 10 नंबर। कितना नंबर हुआ जी, 15, 5, 20, 30, 40, 40 और 30, 70, 70, 80, 90, 5 नंबर एक और है सामान्य ज्ञान, सॉरी करंट अफेयर का 5 नंबर, यानी कि सभी मिलाकर आपका 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हॉस्टल वार्ड। 2016 का जो सिलेबस है कुछ और था। ठीक, ये 2024 का सिलेबस है, ये 2024 का सिलेबस है। ठीक, याद रखना, कंटिन्यू क्लास करा रहे हैं। चलिए, तो हम कल देखेंगे, कल के क्लासेस हम देख रहे हैं। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल हमने किए थे। ठीक, चलिए देखते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल लिए थे। चलिए, ब्राउजर क्या है, चलिए बताइएगा ब्राउजर क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ब्राउजर कमेंट करके बताएं, ब्राउजर क्या है, ब्राउजर क्या है। लेन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर, या लेन में कंप्यूटर को लॉग करने वाला सॉफ्टवेयर, या इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ब्राउजर, है ना। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्लियर करें और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी को मालूम है इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करके आए, सभी लोगों को कमेंट करके आना चाहिए, सभी लोग। देखिए, ये 21 से हम टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। कितना सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, ब्राउजर क्या है जी, ब्राउजर एक सर्च इंजन है, तो आंसर कौन सा होगा, इंटरनेट। तीसरा, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, इसका आंसर सी होगा। ठीक, जिमी वेल्स और लैरी सिंगर किससे संबंधित है, यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। चलिए बताइए,
विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप या फेसबुक के लिए क्या होगा? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप या फेसबुक? तो इसका आंसर होगा आपका ए, विकिपीडिया, जिसका आंसर ए आया होगा, बिल्कुल सही है। ठीक, हु इन्वाइटेड इट ईमेल, यानी कि ईमेल का आविष्कार किसने किया है? आप सभी को पहले ही मैं बताया था कल के क्लासेस में कि ईमेल किसे कहा जाता है या फिर इंटरनेट किसे कहा जाता है, इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है, वीडियो में डाल दिया हूँ लिंक, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाला है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, लेक्चर क्लास में मैं आपको बताया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया है? तो आप सभी को मालूम होगा, टिम्स बर्नर्ली, जेम्स गोसलिंग, विंट सर्फ या विश्व एशिया देवराई, है ना? क्या ईमेल के आविष्कार किसने किया था? वी एस शिवा अय्या दुराई ने। किसने किया था इसको अच्छे से याद रखना, वी ए ए वी ए शिवा, ठीक, वी ए शिवा अय्या दुराई, वी ए शिवा अय्या दुराई ने किया था। अब देखेंगे तो ईमेल खोज के मूल रूप अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा अय्या दुराई ने किया था। जब उन्होंने यह आविष्कार किया था तब केवल वो 14 साल के थे। कितने साल के थे? 14 साल, याद रखना, कितने साल के थे? 14 साल के थे। ठीक, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया है, तो ईमेल का आविष्कार वी ए शिवा अय्या दुराई ने किया है, टिम्स बर्नर्ली ने किया है ना, याद रखना, फट से आप इसको लगा दोगे, जो नहीं है ये है, डी है। कितने लोगों का आंसर डी आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कितने लोगों का आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, कितने लोगों का आंसर आया है जी? ईमेल का आविष्कार किसने किया है? तो वी ए शिवा अय्या दुराई ने। भारतीय मूल के शिव अय्या दुराई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? अभी मैं, अब देखो यहीं पर क्या पूछा गया है, ईमेल का आविष्कार किसने किया है, मैं आपको बताया वी ए शिवा अय्या दुराई 14 साल के थे। अब यहीं पर पूछा है भारतीय मूल के शिव अय्या दुराई, अगर आप याद रखते हैं ना कि मतलब ईमेल का आविष्कार किसने किया है, तो डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे ही बन जाएगा, ईमेल। भारतीय मूल के शिव अय्या दुराई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो ये आप बताएंगे ईमेल से जुड़े हैं। ठीक, अब ईमेल का प्रथम विकास किसने किया है? तो रेड टॉमलिंसन, पहला विकास रेड टॉमलिंसन ने, याद रखना, पहला विकास किसने किया है ईमेल का? रेड टॉमसन ने। बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, पूरा सटीक क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एक बार रिवीजन करना नहीं, एक से दो बार वीडियो को देख लीजिए क्या जाता है, आपको पढ़ना तो है, पढ़ो, एग्जाम क्लियर करना है, करो, वीडियो को 2 से 3 बार देखो। और हाँ, जो पहली बार है चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना ताकि मैं जब भी ऐसे ही वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो में लाइक आना चाहिए, इस वीडियो में कम से कम आप 1000 लाइक अवश्य पहुंचाए, ठीक, 1000 से ऊपर लाइक आना चाहिए। और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसका लाभ मिल सके, ताकि ऐसे वीडियो हम लेकर आपके सामने आए, उपलब्ध हो सके। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, ईमेल से कितने सारे क्वेश्चन बन गए जी? देखिए, ईमेल का आविष्कार शिव अय्या दुराई, यहाँ पर पूछा गया है अय्या दुराई कौन है, किसने आविष्कार किया ईमेल, ईमेल का प्रथम विकास किसने किया है, रेड टॉमलिंसन। ठीक है, पूरा एग्जाम में पूछा गया है। और निम्न में से कौन सा है मुक्त ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? तो देखिए, हॉटमेल, रेडिट मेल, याहू मेल, ये सभी ईमेल है, लेकिन व्हाट्सअप क्या है जी? व्हाट्सअप क्या फ्री है? नहीं है, इंटरनेट के बिना चलता है? नहीं चलता है ना। तो हॉटमेल, रेडिट मेल, याहू मेल, ये सभी मुक्त है, ईमेल प्रदाता है, लेकिन नहीं पूछा गया व्हाट्सअप, क्योंकि देखिए व्हाट्सअप अगर आप चालू करते हैं तो इंटरनेट के बिना चलता है? नहीं, नेटवर्क का, जब आप नेट पैक डलाएंगे, डाटा डलाएंगे, तभी चलेगा आपका व्हाट्सअप, ऐसे क्लियर है। ठीक,
इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए आपको मैं अभी थ्योरी बताया, अभी आपको जैसे ये थ्योरी बताया यहाँ पर आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाना ही डाउनलोड कहलाता है। क्या कहलाता है? डाउनलोड। ठीक, क्या कहलाता है जी, जल्दी से बताइएगा। डाउनलोड, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको डाउनलोड कहते हैं। ठीक, ये आपका पूरा एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पूरा पूरा 100 MCQ रहेगा, पूरा इंटरनेट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही वही क्वेश्चन करें। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइल को एक ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है? अटैचमेंट बोल रहा है, अटैचमेंट, जल्दी से बताइएगा। अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है क्या हो? टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, उपरोक्त तो सभी प्रकार के फाइल। तो क्या आएगा आपका आंसर? ए, बी, सी, डी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को, ऐसा कौन सा फाइल है जो ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है? तो ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है, आंसर डी। क्योंकि देखिए टेक्स्ट फाइल को, ऑडियो को, वीडियो को, सभी को भेजा जाता है जी। ईमेल से क्या 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 भेज सकते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर नोट कीजिएगा। ईमेल से क्या क्या भेज सकते हैं, तो याद रखना ईमेल से आप क्या क्या भेज सकते हैं, तो नोट कीजिएगा। सबसे पहले टेक्स्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बाद ऑडियो है, उसके बाद वीडियो है, ऑडियो वीडियो इमेज, ये सभी फोटो वगैरह ये सब ईमेल से आप लोग भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ईमेल का फुल फॉर्म होता क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ईमेल का फुल फॉर्म होता है क्या, सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल का गठन किसने किया है? ईमेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दिया, गठन किसने किया है? तो गठन किसने किया, रेड टॉमलिंसन, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब। इसका आंसर रेड टॉमलिंसन होगा, ईमेल का गठन रेड टॉमलिंसन। जबकि मार्क जुकरबर्ग 2004 में फेसबुक के संस्थापक है, फेसबुक के संस्थापक है। बिल गेट्स कौन है आप सभी को मालूम है, स्टीव जॉब कौन है आप सभी को मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है ना, कि आवश्यकता है? चलिए क्लियर हुआ। देखेंगे 28 का, निम्नलिखित में से कौन सा निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? निशुल्क बोल दिया। अब देखिए हाँ से आ गया, दो दिन है, फिर भी हम आप सभी के लिए क्लास लेकर आए। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? अब निःशुल्क पूछा गया है, तो रेडिफ मेल, हाफ मेल, याहू और गूगल, ये सभी क्या है? जबकि व्हाट्सएप अगर पूछा जाए तो व्हाट्सएप क्या है? निःशुल्क नहीं है, डाटा से चलता है ना, सभी आए। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, वीडियो से क्या भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज कर सकते हैं। देखिए ग्राफिक्स, वीडियो मैसेज, पटवारी 2019 में पूछा गया है, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स कितने दिन तक रहता है? 30 दिन तक तो रहता अच्छा है जी, 1 महीने तक रहता अच्छा है। इंटरनेट में ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने से पहले करना आवश्यक है, क्या करना आवश्यक? डिजिटाइजेट करना आवश्यक है। इंटरनेट पर ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने से पहले करना क्या आवश्यक है? तो इंटरनेट पर जब भी हम ऑडियो या वीडियो टेक्स्ट ये सब भेजेंगे तो डिजिटाइजेट करते हैं। चैटिंग के उपयोग होने वाला इंसर्ट मैसेंजर कौन सा है? तो गूगल टैग। ठीक, निम्न में से कौन सा वेब सर्च इंजन है? अब सर्च इंजन कौन कौन सा है? बिंग, सफारी, बिंग, गूगल, गूगल सफारी, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम या बिंग, क्या हो? कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं क्या होगा। क्या होगा जल्दी से बताएं, निम्न में से कौन सा वेब सर्च इंजन,
सफारी और कौन सा होगा, सफारी और फायरफॉक्स। इसका आंसर सफारी और फायरफॉक्स आंसर डी होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है, वही अभी बताया सफारी फायरफॉक्स। निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं लेबर इंस्पेक्टर का। लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा है जो ईमेल पता का भाग नहीं, तो ईमेल पता का भाग कौन सा नहीं, पीरियड एट द रेट स्पेस बार स्पेस या अंडर स्कोर। इसका आंसर होगा स्पेस बार, क्योंकि ईमेल पर स्पेस बार लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, उसमें एट द रेट है, अंडर स्कोर है ना, एट द रेट पीरियड, ये सब लगा सकते हैं कॉमा वगैरह, लेकिन स्पेस बार नहीं लगा। ठीक, स्पेस बार कैसा रहता है ये देखो, इस प्रकार का रहता है, इसको स्पेस बार कहते हैं। ठीक, सर्च इंजन से क्या प्राप्त करते हैं, सर्च इंजन से वीडियो डॉक्यूमेंट इमेज सभी प्राप्त कर सकते हैं ना, तो इसका आंसर आपका सभी होगा। जीमेल द्वारा भेजी जाने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है, तो जीमेल में हम फाइल भेजते हैं उसकी अधिकतम क्षमता 25 MB। जैसे देखिए सीडी का अगर पूछा जाएगा, सीडी का 700 MB याद है कि नहीं है, सीडी का 700 MB, डीवीडी का आपका 4.7 GB। ठीक, सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क का क्या आ जाएगा, 25 MB जीमेल द्वारा, यही है। ठीक, एक और आता है 1 TB वाला, 6 TB है ना कुछ है, इसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ईमेल भेजने से समय लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है क्या, सब्जेक्ट। ईमेल में भेजने जैसे क्या होता है, पत्र लिखने के समान होता है, जब ईमेल भेजोगे कैसा भेजोगे, पत्र लिखने के टाइप से आप भेजोगे, कैसे भेजोगे, पत्र लिखने के टाइप से। एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज एरिया रखता है, प्राय इसे क्या कहते हैं, मेल बॉक्स, क्या कहते हैं, मेल बॉक्स। ईमेल का विशिष्ट नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स मतलब जानते हैं जी, जैसे खरीदी बिक्री करते हैं ना, वही है आपका ई कॉमर्स। इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीदी बिक्री करना आपका ईमेल कहलाता है, ईमेल कॉमर्स कहलाता है। जब हम इंटरनेट पर सामान खरीदेंगे या इंटरनेट से हम सामान बेचेंगे, उनको ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे आपका मेसो वगैरह जैसे कुछ आप मंगाते हैं, वही आपका ईमेल है ना, आपको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बने रहिएगा वीडियो पर। निम्न में से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता, किसमें, अमेजोन में, कैसे खोलोगे जी, अमेजोन में खोल ही नहीं सकते हम, इन पटवारी जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, पर पटवारी सीजी व्यापम कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं, तो निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता, amazon.com। इनमें कौन सा ईमेल सुविधा प्रदान नहीं कर सकता, और एक और ईमेल पता का भाग नहीं है, रिक्त स्थान स्पेस बार। ईमेल क्लाइंट की विशेषता क्या है, मैंने आपको बताया मैसेज आउटलुक। ईमेल सर्वर ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति है POP3, अभी आपको बताया ऊपर में पासवर्ड बारे में सब कुछ है। जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, याद रखना जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, इसके बाद है निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है, स्केचअप। गूगल का जो सॉफ्टवेयर नहीं होता आपका स्केचअप होगा, कौन सा होगा, स्केचअप। ठीक, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, और जो पुराने हमारे क्लास कर रहे हैं वो तो वीडियो को लाइक करना ही है ना, हमारा परफॉर्मेंस और आप सभी को परफॉर्मेंस अच्छा खासा आना चाहिए, और वीडियो को शेयर अवश्य करना, क्या करोगे शेयर करो, क्यों, ताकि वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं उनको यह लाभ मिल सके इस वीडियो का। ठीक, यूट्यूब पर हम इसलिए अपलोड करते हैं बिल्कुल फ्री में, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो का लाभ प्राप्त मिल सके, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ईमेल यानी कि हॉटस्टॉप yahoo.com, हॉटस्टॉप क्या कहलाता है, यूजर नेम है ना, जो यूजर नेम होता है ईमेल का वही है, आपको बताया था ना पिछली कक्षा में, डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट में कैसे कैसे उपयोग करते हैं, कहाँ से करते हैं, पूरा आपको बताया था। ठीक, ईमेल क्या है, वीडियो क्या है, गूगल क्या है, सर्च इंजन क्या है, पूरा आपको टॉपिक बता दिया।
स्ट्रीमिंग क्या है? स्ट्रीमिंग का मतलब आप समझते हैं, डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। स्ट्रीमिंग आपको बताया था कल के क्लासेस में, स्ट्रीमिंग है, सर्चिंग है, गूगलिंग है, टेल का है, मॉडिफायर है, सभी के सभी क्लासेस आपको करा दिया था। स्ट्रीमिंग क्या है? डाटा ट्रांसफर करने के लिए वेब स्टैंडर्ड से परिभाषित करते हैं, किससे परिभाषित करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, पेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन देते हैं, रिलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, है ना। तो F5, F5 याद रखना। F4 पे आप कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर अल्ट प्लस F4 कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और होम पेज दबाओगे तो पूरा जस्ट जैसे क्लास चल रही है पूरा वापस चला जाएगा। F1 में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरा में फाइल फोल्डर खोलते हैं, तीसरा में नाम चेंज करते हैं, चौथा में कंप्यूटर बंद करते हैं, ये फंक्शन खोला जाता है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F12, इस प्रकार के एग्जाम फंक्शन से की पूछते हैं। पहला में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरा में खोलते हैं, मदद करते हैं, ठीक, फाइल फोल्डर करते हैं, तीसरा में नाम चेंज करते हैं, ठीक, फाइल फोल्डर का नाम चेंज वगैरह रीनेम करते हैं, चौथा में कंप्यूटर को बंद करते हैं, कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हैं, पांचवा में रिफ्रेश करते हैं, बटन को स्लाइड शो करते हैं, है ना, रिफ्रेश करते हैं, स्लाइड शो करते हैं, रिलोड करते हैं, ठीक। F7 में क्या करते हैं, तो F7 में स्पेलिंग चेक करते हैं, F7 में, ठीक। F12 में क्या है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स सेव करते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेबसाइट का कलेक्शन है वेब पेज। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएं। और हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर का, तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली सीरीज बाय सीरीज मैथ्स की क्लास प्रारंभ करेंगे, छत्तीसगढ़ की क्लास चल रही है, सामान्य ज्ञान की क्लास प्रारंभ करेंगे, और बाकी हिंदी इंग्लिश आप लोग कोई भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को क्या करोगे, सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक। तो कल की क्लासेस में हम देखेंगे इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, बाकी और क्वेश्चन बचा है इसका, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचा है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कल की क्लासेस में। जी बिल्कुल, बने रहिएगा।